यहाँ जोन रोड सकरोड रहा जैसे लागत रहा मरा हुआ लागत रहा। जब से आप भा हैं तो बदलापुर तो छोड़ द नगर पंचायत के आउट एरियम जब जाई थे हम घूमें देखी तो एकदम लैसो लैस बाटन। तो जीवन में कभो कोनो एक्सीडेंट भरा कि एकदम भगवान कसम खा के आई है कोनो भी रोड चक रोड न छूटे। लेकिन ये जोन भाजपा की सरकार बा हमारे जोन मुख्यमंत्री हैं योगी जी और जोन हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ये दोनों जने केहू के ई नाय देखते हैं कि हमारा हैं एक गैर हैं कौने जाति के हैं कौने बिरादरी के हैं इनकर एक सोच बा सबका साथ और सबका विकास। चीज ये कि आपके शायद दो पुत्र हैं हाँ। आप उन्हें नेता बनाना चाहते हैं या अधिकारी बनाना चाहते हैं? नहीं हमारे लड़के देखा एक लड़किया जो बड़ा वाला बा वो तो देखा पूरा हमारे बिजनेस संभाले बा जो अच्छा। कि हम व्यवसायिक भी है अच्छा। हमारे कोल्ड स्टोरेज बा पेट्रोल पंप बहुत पहले से कि विधायक बने बा जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे नेता ही में कह सके थे नेता ही ना हाँ हाँ नहीं पता चले हम खड़का में लगाई थे भाई विधायक हैं कि जेकरे की हम प्रधानी रहा थे उनका एक अलग भाव कर रहा था उनके घरे वाले के रहा हाँ, था ना हे माँ बेटवा प्रधान है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पति प्रधान है हमारे ससुर प्रधान है हमारे जीजा प्रधान है भाई ससुरालों वाले के भौकाल हो बेटवा भौकाल हो आपके साथ ऐसे होते? हमारा पूरा परिवार व्यवसायिक बा सब अपने पैर पे स्टैंड है यानी उनका विधायक से कोई मतलब ना है। नहीं अब वही हम देखे रहे दुबई में आप अफलातून वाला काम करते हैं 14,000 फीट कूदत रहे हाँ डर ना लग रहा ऐसा में डर वाली चीज तो ये है अब छत पे चढ़ी दू तल्ला पुप्पे डल लागे वो कहा भा कि हमारे कुछ दोस्त लोग रहे सब जने चैलेंज कहन कि तू जो है जैसे बड़वार बिल्डिंग पे हमेशा खड़ा रहे सब कहें जब तो कहे बिल्डिंग से डर लागत वह तो कुछ ना कह सकता हम क्या हर कुछ कह सकी थे तो हमें जिन्हें ताव ताम कहन कि जहाज इस कूद सकत है हम कह चला कूद या हम ना जानते रहे कि कूद देखो हम सोचे कैसे कहा था नहीं जाए हम कहे ओकर गेट खोलबे नहीं करे कहाँ कूदब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे आपने शिक्षा के बारे में पूछा तो शिक्षा वाला क्वेश्चन शायद मुझसे कभी कोई पत्रकार आज तक नहीं पूछा। हमारा पहला उद्देश्य है कि बदलापुर के सुंदर विधानसभा बनाई दी अच्छा विधानसभा बदलापुर विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश और देश में हुई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहुत बड़ा जिला है अपने आप में जौनपुर विधानसभा क्षेत्र बदलापुर दो बार से लगातार जीत रहे हैं रमेश चंद मिश्रा जी। मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल पर विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो मैं दूसरे विधानसभा से आता हूँ मैंने जो देखा बेसिकली इसके पहले जब आप नहीं जीते हुए थे 2017 के पहले की बात करूं यहाँ जोन रोड चकरोड रहा जैसे लागत रहा मरा हुआ लागत रहा। जब से आप भा हैं तो बदलापुर तो छोड़ द नगर पंचायत के आउट एरियम जब जाई थे हम घूमें देखी तो एकदम लैसो लैस बाटन। तो जीवन में कभो कोनो एक्सीडेंट हुआ रहा कि एकदम भगवान कसम खा के आई है कोनो भी रोड चकरोड न छूटे? देखा ऐसन बा सरकार इतनी अच्छी बा चूंकि एक पहले जो सरकार रही वो क्षेत्रवादी रही जातिवादी रही हाँ। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार बा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ये दोनों जने केहू के ई नाय देखते हैं कि हमारा हैं एक गैर हैं कौने जाति के हैं कौने बिरादरी के हैं इनकर एक सोच बा सबका साथ और सबका विकास यानी कि ये सबके हर क्षेत्र में काम करे चाहते हैं। इतना बढ़िया नेता हमें मिला है इतना बढ़िया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमें मिला है जेकरे दम पे जौन काम बदलापुर में हो तो जौन कहत है ये कुल सिर्फ हमारे अच्छी सोच वाला नेता मिला है नहीं ने कुल अच्छा काम तो आप विधानसभा क्षेत्र में खाली नहीं अधिकतर विधानसभा में हो तो अब देखा हमें का होता है कि जैसे कुछ जने ज्यादा हल्ला गुल्ला कह दे हैं ज्यादा बात का हमारा काम का है हमारे हाथ में कलम में ताकत ना आए हम ना चेक दस्तखत करी ने खाता हमारे खुला बा हमारे के काम है जनता की आवाज वहीं तक पहुंचाई जैसे विधानसभा सत्र चलत है ओहमें पहुंचाई मुख्यमंत्री तक पहुंचाई मंत्री तक पहुंचाई अधिकारी तक पहुंचाई तो वो काम हम अपन लगातार करत रहे थे। छोटो काम रहा थे तो काम लखनऊ पहुंचाई दे थे बड़ा काम रहा तो घूम लखनऊ पहुंचाई दे थे इतना हल्ला गुल्ला कहीं आई थे विधानसभा में और हर जगह कि जकरे चलते सबके ध्यान चला जाता है कि ना ही बदलापुर में ये चीज की कमी बा और जब वो चीज चला जाता तो हो ही जाता कुल मिला के एकदम दिमाग में कीड़ा बाटे काम करेगा हां ये अच्छा मान ले तो हुई छे रोड चक्रोड। मैंने एक चीज और देखा है क्योंकि फिर से बता रहा हूं मैं दूसरे विधानसभा से आता हूं लोगन पुल खातिर परेशान रहते हैं ओवर ब्रिज खातिर परेशान रहते हैं मैं तो देख रहा हूं सुल्तानपुर वगैरह में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कहीं नहीं काम हो रहा है लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में जो छोट छोट पुल है वो आप एकदम बौछार लगाई दी है
अब वैसन बा कि कृपा बा, अब भगवान की कुछ कृपा बा, कुछ बदलापुर के जनता कृपा बा, एकरे पहले जो विधायके भरन कुछ यहाँ काम ही ना आए कहे रहन, तो ये अभी ना देवी देवताओं के एक चक्र चलत है ना, कि हमेशा एक माने एक दृष्टि ना रहत ना, एकरे पहले देवी देवता जो ये विधायक रहन उनका ऐसा सहूर खराब रहा कि देवी देवता कुचक्र चलत रहा। लेकिन जब से हम विधायक भाई जनता की इच्छा रही हमारे यह काम हो, देवी देवता पूरा भरपूर जोन है, अब आशीर्वाद मिलते हो अपने यहाँ नौ नौ पुल बनते हो, एक पुल थोड़ा हो नौ पुल। और सबसे बड़ी बात ये जोन हमारे यहाँ दुई नदी बाग गोमती नदी और सई नदी जी, जी, जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी पे पुल बनाए बहुत कठिन होता है जी, जी, जी। लेकिन हम दुई पुल जोन है गोमती नदी चालू कराए, दुई पुल सई नदी पे जी, जी। और बड़ी पुल जैसे एक बेलावा हम पुल चालू कराए जी, जी। बेलावा कलामा एक पुल मिली है घाट वाला हम चालू कराए जी, जी। 15 साल से बंद रहा जी, जी। तो वह गोमती नदी पे और दुई पुल हम सई नदी चालू बनवा थी कारोबीर घाट पे अब भोजनाथ घाट पे पुल जी जी। और नदी नाला पे पता नहीं कितना पुल डेढ़ डेहुरा पुल चक्रियावा घाट के पुल नौरंगा बात के पुल ऐसा कुल नौ पुल बनवाए। अब एक जो रेलवे फ्लाईओवर रहा श्री कृष्णा नगर वाला देख रहे हैं वो पास कराई दे वो काम शुरू हुआ। मैं वही देख पा रहा हूँ यहाँ पुल के एकदम बौछार लगाई दी है तो कौनो हम देखी थे का आपको मंत्रियन से बहुत अच्छा बैठे थे का हर विभाग के ऐसा बा कि हम चुकी और कोनो काम खातिर जाई इतना है ना हमें ठेका चाहिए ना हमें पट्टी चाहिए ना हमें केहू ट्रांसफर करावे ना केहू पोस्टिंग करावे के थोड़ा नेता लोगन के अच्छा लागत जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं जैसे उनके सामने अगर जा और कहा कि हमें ही सड़क चाहिए ही नाली चाहिए तो उनके से ये अच्छा लागत है कि अधिकतर जने कहा थे ट्रांसफर कर दे पोस्टिंग कर दे ठेका दे दे पट्टी दे अभी एक कई चीज ये क्षेत्र 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 ये मजा आवत है उन्होंने कहा भाई जब तो ये चाहिए काम हो जाते हैं। एक चीज मैंने और नोटिस किया है बहुत सारे विधायक मंत्री होते हैं प्राइमरी विद्यालयों में नहीं जाते हैं, मैं आपको बार बार स्टॉक करता हूँ देखता रहता हूँ आप प्राइमरी विद्यालयों में पहुंच जाते हैं देखा उकर कारण का बा शिक्षा को लेकर आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है उकरे कारण ये बा कि हमरे एकरे पहले जो विद्यालय रहा वो बहुत खराब स्थिति रही वहीं गांव के जितना जानवर जाए उन्हें जाए वहीं टट्टी पिशाब करें पूरा गन्हात रहा है खिड़की दरवाजा गायब रहा है लड़के कागज में रहें स्कूल में को लड़कियां रहें हमार सरकार काम के है कायाकल्प कायाकल्प किया है विद्यालय में टाइल्स लगवाए बाला पेंटिंग करवाए और खूब बढ़िया पंखा लगवाए बिजली लगवाए डेस्क बेंच लगवाए फूल पत्ती लगवाए इंटरलॉकिंग लगवाए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे मात्र विधायक है उत्तर प्रदेश में कि देखिए इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं, अन्य विधायक इतने मुझे नहीं लगता कि इतने जागरूक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार यही चीजें आती हैं, आप प्राथमिक विद्यालयों में पहुंच जाते हैं जबकि और सारे विधायक हैं जिसे उनका समय ही नहीं मिलता इन्हें सब खातिर। हमारे पास ये काम है और कोनो काम ही नहीं है, घरे दुआरे वाले छोड़ दे हैं भाई है कि तू जो जा बदले तू हमारा। एक चीज मैंने और देखा है ये जो श्री कमला माप बनवाए हैं जब मैं सुबह गाड़ी लेके जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 9 बजे के पहले साहब उठ जाते हैं जनता दरबार लगाए देते हैं बिना नहाए खाए। एक दिन तू देख रहे ट्रैक सूट में आप लगा रहे 1 बजे दिन तक हम जाना था जहां तक आप खाना पीना बिना खाए रहे तो घरे वाले रोकते ना ही कि ये क्यों है ये ना अब अच्छा यही मैंने कहा घर दुआ छोड़ कर हम चलाए है बाबू माई में क्यों ये ना रहा। मतलब ना ये क्यों ना राज साहब लखनऊ रहे थे ये हम अकेले रहे थे ये भी हम कोनो काम ही नहीं अभी ये काम है सुबह शाम आप ये काम है जनता के सेवा में लगा रहते हैं। आपके बदलापुर महोत्सव देखा था विश्व भर में छाई चुका हुआ अब तो हर जिला में होला कॉपी होला नकल होत बाग नहीं मारा था नहीं आप एक पहले इतना ही होता है जैसे आप करावत रहे बदलापुर का महोत्सव पूरे विश्व भर में छावा लाग बटे जिकरे तौर पर हम एक चीज और देखे है आप बहरीन में बतौर चीफ गेस्ट बुलावा गए हैं एकरे खातिर बहरीन में इस्लामिक कंट्री है जी एक पर का कहा जाते हैं आप बाका कि हम जो बदलापुर महोत्सव कराए थे वो महोत्सव थोड़ा स्वरूप दूसर रहा था उसमें है कहा कि हम पूरे देश के कलाकार बुलाए थे जैसे हम बाकी महोत्सव चर्चा न कर जो पिछला महोत्सव है बीता है वही में अगर देखब तो राजस्थान से हिमाचल से और कौन गुजरात से ठीक बा जी जी तो कौन उड़ीसा से जी जी झारखंड से यानी हमारे जो महोत्सव बा कई देश के कई प्रदेशों से कलाकार आवत हैं उसी का कि जौन 3 दिन में शादी कराई थे 501 कन्या के 1100 कन्या के सबके सम्मानित करी ये सब जौन है लोग हर जगह ना हो ये बहुत हाईलाइट हुई है। और जौन बहरीन वाले हमें बुलाए रहन ये महोत्सव हमें थोड़ा पता रहा उनके से देखते हैं उनके से बताएं कि विधायक जी जब से आप महोत्सव कराओ थे हमें सब बहरीन बैठ के
बड़की एलईडी टीवी लगाई हमरे से सब जने घरों पे महोत्सव देखी, बड़ा मजा आवत है। तो उन्हों सब प्लान केहन कि अपन उत्तर भारतीय बहरीन में अरबियन कंट्री में लगभग 5,000 हैं। अच्छा। तो कहे ना हम सभी मिले खातिर यूपी दिवस मनाई जी जी। यूपी दिवस मनाई तो हम कहे हम ही कहे चुना तो कहे यूपी दिवस में भाई केका बोलाई है भाई महोत्सव टाइप हम कराए चाहते ही। तो हमारे से कहे भाई ये बदलापुर वाले से बढ़िया क्यों ना आवे उनसे बढ़िया महोत्सव देश उनका ही कहना हम नहीं कहती उनका कहना हमारा ऐसा देश महोत्सव ना हो शादी ब्याह नाच गाना गारी गीत गाऊ करे अलामा काना वही में फूलों को होली से लई के बिया से लई के मूछे के कंपटीशन से लई के बैंडे कंपटीशन मैंने अच्छा लाग खेती सरकारी कार्यक्रम। तो उनके से कहना हम कहे नहीं बुलाई तो उनके से हम इन्वाइट कहें बल्कि हमारा सलभ भाई इस बात है तो सलभ भाई हाँ उन्होंने तैयार हुई जैन। अच्छा। तो बल्कि अब की बार हमें से घर है तभी इनका शुरुआत रहा अरबियन कंट्री में जी जी। लेकिन अगली बार उनके से कहन विधायक जी हम खूब बड़का कराई और जने के लिए आई आया तब की बार हमारी इच्छा बल 10-5 जने का और विधायक लोगों के लिए आई जाए हुए कलाकारों लिया गया। उत्तर प्रदेश में 400 प्लस विधायक हैं जी। लेकिन बतौर चीफ गेस्ट सिर्फ नहीं कि इनवाइट किए हैं उगर सिर्फ एक कारण रहा बदलापुर महोत्सव। एक चीज और हम जानना चाहते जब बहरीन गए तो एकदम मजा आई हो लग लगाई के देखा बहरीन हम बहन एक पहले नहीं गए हमारा कांसेप्ट जो है बहरीन के बारे में रहा कि अरबियन कंट्री है और कट्टर मुस्लिम है और वहाँ जो है मुस्लिम वाद बहुत ज्यादा हुए लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम वहाँ जब गए तो वहाँ के राजा बड़ा सोवर है वो हिंदू धर्म को बहुत डिस्टर्ब ना करते हैं कट्टरवादी थे लेकिन बहरीनी जो बाटन बहुत अच्छा है उनका। अच्छा, अच्छा, जैसे हम वहाँ देखे मंदिर रहा श्रीनाथ भगवान के 2 साल पूरा अच्छा, वहाँ बहरीन में और अलावा एक हम ऐसे गए मंदिर और रहा देवी जी के एक मंदिर रही छोटी मंदिर रही जी जी। एक गणेश जी के मंदिर है 2-3 मंदिर बाह 2 साल पुराना माना 200 साल पुराना 200 साल हाँ। और मोदी जी सबसे बड़ा काम का कहें कि पहले हिंदुस्तानी डरात रहे पूजा पाठ करे में या अपने आप के हिंदू बतावे में लेकिन मोदी जी हर जौन काम के हैं जैसे जो सोमालिया डाकू से मुक्त कराए अपने देश के कतर में जो 7-8 जने पकड़ा हालिया में उनका जो छुड़वाएं मोदी जिसकी मौत की सजा हुई थी हाँ तो कतर वाले उनका मौत को सजा दे रहे हैं लेकिन मोदी छुड़ा के लिए चलाए एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री। अब जैसे अपने अभिमन्यु जो का नाम है पाकिस्तान में जो गिरा रहे पाकिस्तान वाले के पहले गटाई काट देते रहे लेकिन मोदी जी देखा उनका छुड़ा के लिए चलाए। अब विदेशन में जो है मोदी क्रेज बहुत हुई है अब इन पाकिस्तानी सैनिक के घेर ले रहे सोमालिया वाले वो मोदी जी के नौसेना जो है भारत के छोड़ा है। अब जितना समुद्री इलाका वाले देश है यानी एक प्रकार से गल्फ कंट्री जितना खाड़ी वाले वो खाड़ी वाले देश बड़ा प्रसन्न है मोदी के ऊपर कहा था भैया आज हमारे यहाँ लूट लेते रहे समुद्रवा में कुल डकैते लूट लेते हैं तो मोदी जब से आए हैं इनकर सेना जाए दनादन गोली चला के जवान कुल डकैते भाग गए तो यह हमने मोदी से इतना प्रसन्नता बा दूसरे देश में कि मोदी कुल बतिया कुल मान लेते हैं। अब तो जान ला कि अबू धाबी मोहिन मंदिर बना कितना बढ़िया मंदिर बना अब वह मंदिर जब बना तो मुसलमानों नाचत गावत रहे बिल्कुल 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 अब वह लाइन लाग दर्शन करे वाले की जी जी। अब जितना अपने अरब कंट्री में जितना हिंदू हैं अब वह रोज लाइन लगाए 50,000-20,000 रोज दर्शन करते हैं। आप सब जानत हो अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन हालिया में मोदी जी केहन है लगभग 700 फीट की ऊंचा बाटे और दुनिया के सबसे विश्व के सबसे भारी मंदिर है और वहां पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है वो भी सोचा जैसे विधायक जी कहा था कि खाड़ी देशों में इस्लामिक कंट्री में तो अपने आप में हिंदुत्व तो सनातनी धीरे धीरे फैला जात बटे। एक चीज और बता दी हम बहरीनो मंदिर बने जात हुआ मोदी जी वहां के राजा से बात कहन शेख से 72 एकड़ जमीन वहां के राजा मुफ्त में जो है दे दे बाटे। अब बहरीन में मंदिर अगले महीने शुरू हो हम जाओ हमें भूमि पूजन बुलाए हैं तो अगले महीने से वो काम शुरू है और अबू धाबी से बड़ा मंदिर बहरीन में बने जाते हुए। अब तू बताओ हिंदू धर्म और अरब कंट्री में अरब कंट्री मैंने सोचा जहाँ कट्टर मुसलमान है जी 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 है जी वो हमारे हिंदू धर्म मोदी पहुंचाएंगे बार बड़ी बात बड़ी बात है बड़ी बात है। एक चीज मैं देखता हूँ कि आप हिंदू तो सनातनी को लेकर खुद बहुत आगे रहते हैं हम एक चीज और स्टॉक करी थी यानी देखत रही थे आपका आप भले न जानते हुई हमें लेकिन हम देखत रही थे आप अपने परिवार के साथ है हर मंदिर और देवस्थल जाते हैं जैसे आप खाली पावत हैं पतन कैसे समयो मिल जाए तो कहा था समयो ना दे हम पूरा सेवा में लगा रही थे जनता के और देखबो करी थे हम सुबह 9 बजे से उठा था मंजनो ना करता हम जाना था कायदे से और लगा रहा था 1 बजे एक कारण ये है कि जैसे कहा है जैसे हम फुर्सत पाई थे तो हमारे देवी जी के प्रति बड़ी आस्था बा देवी जी के प्रति आस्था बा देवी देवता माने सबको माने थे लेकिन थोड़ा देवी जी से
ज्यादा निकटता बा जी, जान लो कर ज्यादा आशीर्वाद मिले था। जैसे भाई अब चार भाई है तो एक भाई ज्यादा प्यार होते, एक भाई कम होते है, जी जी है? जी जी, तो वह हाल बा जी, तो भाई हमारे देवी जी से थोड़ा ज्यादा स्नेह बा। तो का बा कि हम जैसे फुर्सत पाई थे, तो फुर्सत के समय हमें पहाड़ पे घूमब या ऐसा कौनो जगह जाब से अच्छा हमें लागत है कि दो दिन फुर्सत में चला देवी देवता दर्शन कर आई, एनर्जी मिले थे। तब आप जावे गए थे बार जैसे बार एक जगह गए हम, हमें एनर्जी मिली 10 दिन के लिए पोटा फुल, जैसे हमें लागत हम डिस्चार्ज होते या मानसिक रूप से थोड़ा हम डिस्टर्ब होते या हमें बहुत हरास टाइप लागत बाटे। अच्छा। हम देवी देवता के मंदिर में जैसे जाए थे फुल चार्ज, जैसे हमारा बैटरी डाउन है, समझा तुरंत गए देवी देवता दर्शन के, फुल बैटरी हो, फिर आए फिर डाउन मारे फिर जाए दर्शन के। जबकि कई ऐसे लोग हैं कि जब तक वो नशा ना ले लेते हैं, जेका दारू दर्पण वगैरह कहते हैं, जब एक बार नशा ले लेते हैं तो उनका बैटरी चार्ज हो जाता है, लेकिन गलत बात भी जाएगी, ऐसे होते हैं कई लोग। एक दूसरी चीज ये कि आपके शायद दो पुत्र हैं, आप उन्हें नेता बनाना चाहते हैं या अधिकारी बनाना चाहते हैं? नहीं, हमारे लड़के देखा, एक लड़किया जो बड़ा वाला बा वो तो देखा पूरा हमारे बिजनेस संभाले बा, जो कि हम व्यवसायिक भी है। अच्छा। हमारे कोल्ड स्टोरेज बा, पेट्रोल पंप बहुत पहले से कि विधायक बने बा, हम 2007-08 में हमारे होटल बा लखनऊ में। अच्छा। होटल द ग्रैंड रेडियन जी जी जी। और हमारे 2000 में हमारे कोल्ड स्टोरेज बा सुल्तानपुर में, दुर्गा। अच्छा। कोल्ड स्टोरेज, और वहीं के बाद 4-5 साल बाद पेट्रोल पंप भरा, अब तो ढाबा वा कुल बड़ी बड़ा होटल वोटल बनिए बा। हम व्यवसायिक जो है शुरू से, हम पहले व्यवसाय करते रहे, हम कोयले बेचते रहे बिहार में। अच्छा। माँ दुर्गा ऑटोमेटिक धर्मकांटा रहा, कोयला रहा, और हम इनकम टैक्स पे ही जो है आप ही समझा कि 2002 से है, 2003 से हम इनकम टैक्स पे ही है हम। अच्छा। और हम तब से इनकम, हमारे घरे से कम 1 करोड़ रुपये हर साल इनकम टैक्स जाते हैं, आप देते रहते हैं उस समय से। हम हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे कुल मिला करके हम लोग लगभग पर ईयर 1 साल में 1 करोड़ लगभग इनकम टैक्स देते। तो तब से कौनो धंधा छोड़बो ना, कि कुल धंधा कुल धंधा हमारा चला, तो पूरा बिजनेस हमारा ई थोड़ा कार है, हमारा पूरा घर व्यवसायिक रहा जी जी, घर में हमारे सब बिजनेस करते रहा, कोल्ड स्टोरेज, कोट होटल, कोल्ड स्टोरेज और ईटा भट्टा काम। हमारे मन में अकेले ही फितुर रहा कि हम जो है थोड़ा सा का नाम है ऊ करब, राजनीति करब, समाज सेवा करब जी जी, तो हमारा मन बिजनेस में ना लागत रहा। तो जब राजनेता वाला काम करत रहे थे बाबू माई अब गरिया मारना है, थोड़ा पिताजी की लागत है कि जौन है हमारे साथे रहे, चाहत रहा अगर तू आज हमारे साथे रहा होता धंधा हमारा और आगे बढ़ी हो। पिताजी की आज भी ग्लानी रहा था। हाँ, कि माने कि अब हमारे पूरे प्रदेश जैसे होटल हम ही बनवाए हैं पिताजी के आशीर्वाद से लखनऊ वाला। हाँ। तो कई काम हमने शुरुआत किया, पिताजी ने पैसा दिया, हमने उसको आगे बढ़ाया जी जी। तो क्या है कि पिताजी के लगता है कि अगर आज तुम मेरे साथ होते तो आज मैं प्रदेश के हर कोने मेरा होटल होता, कई देश में होटल होता, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको लगता है। तो हम चूंकि बिजनेस में साथ दिए नहीं बल्कि पैसे उनकर बर्बाद के है भाई, नेतागिरी में रुपये बर्बाद हो। जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे नेता ही में, हाँ। कह सके थे नेता ही ना। हाँ हाँ, नहीं पता चले हम खड़का लगा, अरे नहीं हम के कहा हमारा डराई थे भाई, विधायक हैं, अरे पता चले कि पॉडकास्ट खत्म हो बाद 4 महीने पीछे लगा दिया, अरे हमें विधायक ना आए हैं आप तक के ना हड़काए भैया हो के मिला तो का ना, तभी हम आपसे ऐसे इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। मैं आपके व्यवहार के बारे में, जब यहाँ के बारे में, लोगों के बारे में जाना, तभी आपके पास आया कि आपके चीजों को मैं जानना चाहता था, एक्चुअली इतना विकास कहाँ हो रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो जब ये नेताई आप करे शुरू के स्टार्टिंग फेज में, तो बाबू तो कुछ ना कुछ तो जरूर कहा रहा हूँ। हमारे घर में क्यों इच्छा ना रहा कि हम राजनीति में आए, जो कि हमारे परिवार में क्यों राजनीति में कम हो रहा ना है। अच्छा। लोग बीजेपी कोट देत रहे जी जी। लेकिन हम जो है थोड़ा सा हमारे मन में शुरू से जिज्ञासा रहे चुनाव लड़ब, तो हम बल्कि पूरा परिवार हमारे बीजेपी में रहा, हम बसपा में चला गए। अच्छा। और 2012 में हम माने कि 2005 में हम ब्लॉक प्रमुख बने, 10 तक प्रमुख रहे। अच्छा। और ब्लॉक प्रमुख के बाद जो है हम जो है बीएसपी ज्वाइन कर ले है, और बीएसपी ज्वाइन करके 2012 में हम मुगराबाद शाहपुर चुनाव लड़ रहे जी, शौक रही, शौक रहे, जबकि हमारे घर क्यों ना चाहता रहा बीएसपी से, और माने कौन पार्टी में नेतागिरी ना सब चाहता रहा धंधा करें, और जब हम बीएसपी से ले लिए तो हमारे पिताजी और नाराज हुई है, अभी भी ना के हम चुनाव प्रचार करें, बहुत हाथ गोड़ सब जोड़े, तब जाए कि 5 दिन पहले वो मुगरा में आए रहे प्रचार करे, यह भी ना तू कहा बसपा से टिकट ले लिया है, तो कल लड़ाई कर रहा भाजपा से लड़ता, हम कहे भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे टिकट थोड़े दे दिए, बहुत समय लागे, अब उनका समझाए, लेकिन अब भाई उनका गुस्सा लाके कहे तो बसपा में चला गया। फिलहाल लड़े चुनाव, 5000 वोटे चुनाव हारे,
और तब बीजेपी में आया, तब हम बीजेपी में आइए तो हमारे घर वाले खुश होइए कि अपने पार्टी में आइए, तो टिकट मिल गई पूरे बाद। हाँ आसानी से, क्योंकि अब मुगरा से इतना बढ़िया चुनाव लड़े रहे, 5,000 वोटे से आप आ रहे, 5,000 वोटे से यहाँ से जाए के, साहिबगंज से जाए के हम 63,800 कुछ वोट पाए रहे। हाँ आपका घर यहीं बैठे, फिर वहाँ जाएगा आप लड़े। अब बसपा खिलाफ लहर रही जी जी, सब 22,000-23,000 सहारा रहे, हम 5,000 सहारा रहे, तो कर एक मैसेज गए और हमारे भाजपा के बड़े नेता लोग समझे नहीं कि कुछ कह सकत है, तो उनके से लड़ाई देहन, आप देखा दो बार विधायक हुई। एक चीज और हम देखी थे कि जगह की हम प्रधानी रहा थे, उनका एक अलग भाव कर रहा था, उनके घरे वाले के रहा था ना, हे माँ बेटवा प्रधान है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पति प्रधान है, हमारे ससुर प्रधान है, हमारे जीजा प्रधान है, भाई ससुराल वाले के भौकाल हो, बेटवा के भौकाल हो, आपके साथ ऐसे होते? देखा इसमें हमारे लिए अच्छी बात ही बा कि हम अपने बारे में बताई, हमारा पूरा परिवार व्यवसायिक बा, सब अपने पैर पे स्टैंड है, यानी उनका विधायक से कोनो मतलब ना है। हमारे घरे वाले चुनाव में आवत हैं प्रचार करे, एक महीने सब पूरा परिवार 40-50 गाड़ी से आई है, बहुत बड़ा परिवार, 100 जने के हमारे परिवार में, 100 जने अलग अलग जगह जे जे रहत, सब अपने गाड़ी से आई है, 50 गाड़ी से आई है सब, और एक महीने पूरा चुनाव हमारे प्रचार करिए, और जौनी दिन चुनाव खत्म हो जाए केहू बदलापुर के नागरिक से पूछ ल, एक मनई ना बता सकत कि हमारे घरे केहू मनई के देखे हुए, मात्र एक महीना सब रहते हैं, उकरे बाद अपने काम धंधा में, उकरे पीछे उन्हों सकी कहना में कि अगर तोहरे नेतागिरी में हम जरा से इंटरफेयर करब तो लोगन के संदेश ही जाए कि देखा इनके चाचा है, इनके चाचा कहे भी हो तो इनके बाबू कहे भी हो, हमारे परिवारवाद और वंशवाद, और जान लग ठेकेदारी, हमारे अधिकतर परिवार के लोग ठेकेदारी करते हैं, हमारे पूरे बदलापुर में एक मनई ना बता सकता हमारे खानदान परिवार के ठेकेदारी करते हुए, यानी हमारे बदलापुर में हमारे परिवार से सिर्फ हम ही रही, और क्यों ना आवे ना, क्यों आवे न क्यों जाए, जबकि जनरली मतलब जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ बताए ना कि प्रधानी मोहत है, हाँ ये तो विधायकी वाली बात बाटे, हमारे परिवार से यह जान ला कि एक मनई बदलापुर ना रह, हमारे अलावा हम ही अकेले ही, बाकी सब जौन है सब बदलेपुर कार्यकर्ता है, उन्हें संगे उन्हें कहे पे भाजपा कार्यकर्ता कहे पे जौन हम सही सही देखी तो वह काम करी थे, हमारे परिवार के कोनो इंटरफेयर, ठेका पट्टी राजनीति कोई इंटरफेयर नहीं, आज थे बदलापुर के बता ही नहीं आ सकत कि 5 साल में एक महीने के बाद को देखे हुए हमारे परिवार के, और जहां कहे के आरोप न लागे, और कोनो बात ना आरोप न लागे, घर वाले बचाओ थे ना बचाए थे। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, अब वही हम देखे रहे दुबई में आप अफलातून वाला काम करते हैं, 14,000 फीट कूदत रहे, हाँ डर ना लग रहा ऐसा में डर वाली चीज तो ये है, अब छते पे चढ़ी दू तल्ला पुप्पे डल लागे, वो कहा भा कि हमारे कुछ दोस्त लोग रहे सब जने चैलेंज कहन कि तू जो है जैसे बड़वार बिल्डिंग पे हमेशा खड़ा रहे, सब कहन जब तो कहे बिल्डिंग से डर लागत वह तो कुछ ना कह सकता, हम कह हर कुछ कह सकी थे, तो ही में जिन्हें ताओ ताम कहन कि जहाज इस कूद सकत है, हम कह चला कूदिए, हम ना जानते रहे कि अस कूद, हम सोचे कैसे कहा था नहीं जहाज, हम कहे ओकर गेट खोलबे करे कहाँ कूदब, कहन जहाज इस कूद हम कहे हाँ कूदिए, तो कहन चला तो कूदाई थे, हम कह चला हमेशा सब जने चला गए दुबई जहाज इस कूदे, ओकरे बाद 7 जने गए रहे तो हमें 5 जने भाग गए, जब देखें वीडियो वीडियो कुकड़ बोल रहे हैं, हाँ तो कुकड़ बोल रहे हैं 5 जने हमें, जब देखें वीडियो वीडियो भाग गए 5 जने, तो हम 2 जने जवन है ऊपर से कूदे, और कूदे तो थोड़ा सा एक बार भय रहा डर रहा, लेकिन हम चैलेंज कही दे रहे ना, अब भाई अब चैलेंज कह रहे हम कूदिए, अब बधा रहे अब काउ करिए, अब हाँ पीछे अंदर, अंदर की हिम्मत तो नहीं पीछे हटो, पीछे आए हुए विधायक है कि लड़ब जीता लड़ब जीता जीता है, भाई कूदो कौन बात रहा 36,000 कूदवाए थे। एक चीज मैंने देखा है कि आप लगातार 2 बार विधायक हुए हैं, आपके आगे की जर्नी क्या है, ऐसा ना होए ऐसा तो भाई दिमाग में तो ना होए कि भैया हमें मंत्री पद ना चाहे, हमें लोकसभा टिकट ना चाहे, आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता होगा। देखिए हमारा एक उद्देश्य है सिंगल, अभी का देखा हम चाहे ऑफलाइन पूछे चाहे ऑनलाइन पूछे, हमसे कमरा बंदों में पूछबत ये बोलब जौन बोलत है, हमारा पहला उद्देश्य है कि बदलापुर के सुंदर विधानसभा बनाई दी, अच्छा विधानसभा, बदलापुर विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश और देश में हुई है कि यह कोनो काम ही नहीं बाटे, हर काम विधायक जी कराए दें खूब बढ़िया कराए दें, इतना सुंदर विधानसभा हुई है कि हमारा नाव हुई है, और विधायक से ऊपर अभी हम बहुत हमारे मन में अभी तक कुछ आए ना बाटे कि हम विधायक ऊपर कुछ बनी, अभी पंचवर्षीय जब पूर कर ले जी, और जब हम पूरे काम धाम पूरे कर ले, जब हमारे बदलापुर
अब हो सकता अगली पंचवर्षीय में रही है कुछ काम, जब तक बदलापुर के संपूर्ण विकास न कर ले तब तक हम कुछ और आगे मंत्री बने के या सांसद बने के न सोचब। हाँ अब अभी एक चीज सोचत है बदलापुर के संपूर्ण विकास, जौन दिन पूर हो बाद जब पूछब तो बताए कि मंत्री बनब कि सांसद बनब। अच्छा अच्छा अब एक चीज बदलापुर विकास, क्योंकि मैं देखता हूँ आप विधानसभा में एकदम बढ़ चढ़ कर बोलते हैं लग लगाए के, अरे इतना बोलत कम हो कैसे हुए। आप पढ़ने में कैसे रहे हैं? पढ़ाई में चूंकि हमारे पिताजी शुरू में ही हमको लगा दिए बिजनेस में, दसवीं तक मैंने यहाँ से आपका जो GIC सुल्तानपुर है देख रहे हैं, दसवीं तक मैंने GIC सुल्तानपुर आपके वहाँ से हमने किया, बकायदे वहाँ हॉस्टल में हम लोग रहते थे जी, 4-5 लाख लोग रहते थे जी। तो GIC में चूंकि पढ़ने में कमजोर था हाँ। जब कमजोर था तो हमारे संगे गाँव के 4 जने का रहन पढ़े हाँ। खूब कड़ाई रही दसवीं की परीक्षा में हमारे, और कौन नाम है सब कहन कि हमें कहन की पक्का फेल हुई है हाँ। बाकी सब 4 जने रहन, 4 जने ये 3 जने पक्का पास हुई हैं, हमें सब कहन फेल हुई हैं। तो हम कहे चलो ठीक है, तो हमहू जो मन है परीक्षा के पहले जो मन है हाँ। 1 महीने खूब जम के जिद वाली रही ना, जैसे हमारे घर वाले कहन कि फेल हो बाकी सब पास हो। अब हमारे वो जैसे हम थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी, अब हमारे दिमाग में हुई बताओ हमारे घर वाले कहा था ना यही फेल हो बाकी सब पास हो, हम जिद्दिया कि 1 महीने में पूरी किताबियाँ याद कर ली है हाँ। हमारे साथ जय जने के रहन सब फेल हुई है ना, वही पास भाई। तो ओकरे बाद चला गए बिहार, बिहार में जगजीवन कॉलेज बा देख रहे हैं, तो जगजीवन कॉलेज डिहरी आमसोन में है जी। फिर वहाँ मैंने इंटर में एडमिशन किया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की, पढ़ाई नहीं, इंटर में एडमिशन हमने किया। करने के बाद जो है हम क्या है, हमारे पिताजी लगा दिए कोयले के व्यवसाय में जी जी। हम कोयले के व्यवसाय ज्यादा करने लगे, लग गए कोयले के व्यवसाय में, परीक्षक समय जाई परीक्षा दे के चला आई। अच्छा अच्छा बात समझे, बाकी न कम हो क्लास करे गए ये भी ना कि हमारे पास फुर्सत ही ना रहा। 5 बजे हम कोयला डिपो पहुंच जाई, और कोयला डिपो 5 बजे पहुंचे के बाद वहीं से रात के 10 बजे 5 बजे सुबह पहुंच जाते हाँ, 5 बजे ये सब हमारे हाथ देखते है इतना देखा, ये जो हरवाहे किसान कहो इतना घट्टा देखा है क्या? देखा था तुम्हारे कैमरे में दिखाई थे, इतना मोट मोट घट्टा। सवेरे 5 बजे जाई ट्रक सैले पकड़ के ऊपर चढ़ी, कोयला चेक करी, कोयला गिराई, बहुत मेहनत की, यानी आपने बड़ी मेहनत से यहाँ तक सफर किया। अब आप जानिए मेरे मैंने गर्मियों के महीने में पेशाब से ब्लड आता था हाँ। इतना मैंने मेहनत किया है, हमारे पिताजी ने हमको तपाया है लोहे की जैसे आग की भट्टी में तपाया है, तो पिताजी के पूरे व्यवसाय को मैंने संभाल लिया। तो क्लास नहीं कर पाता था, लेकिन इंटर में जो है पास हो गया, किसी तरीके से पास हो गया, इंटर भी पास हो गया, BA भी। अच्छा लेकिन क्या है कि बिहार की पढ़ाई थी, इस नाते हमने कहा UPA वाली पढ़ाई बताओ, बिहार वाली भी बताओ, हमारे पास पूरा पढ़ाई कुल कहे है, लेकिन हम यही बिहार UPA वाली बताई थी, बिहार वाले के बहुत विश्वास ना। ज्यादातर मैंने देखा कि आप 10वीं तक पढ़ाई किए, तो इस बारे में मेरा दिमाग में था कि जान लेते हैं कि आप कितने तक पढ़ाई किए। एजुकेशन तो हमारा BA तक है, BA तक, झारखंड देवघर कॉलेज से मैंने जो है BA किया था। अच्छा अच्छा। और जगजीवन कॉलेज से मैंने इंटर किया था जी जी। और GIC सुल्तानपुर से मैंने 10वीं किया था जी जी। वो हुआ क्या कि क्या नाम, जबकि ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं किया था, सिर्फ क्या है पहले चलता था सिस्टम ना कि लोग सिर्फ जैसे घर में तैयारी करते थे और परीक्षा देते थे, तो मैं क्या किया कि मैं परीक्षा देने सिर्फ जाता था, कभी मैं क्लास करने नहीं गया। आपने सिर्फ मेहनत किया जीवन में सुबह जिस तरीके से आपने बताया बिहार में, तो इसलिए हम पहली बार बसपा से पर्चा भर रहे थे, तो उसमें सुभाष पांडे जी मंत्री थे जी, उन्होंने जब मैं BA का मार्कशीट लगाने लगा, जैसे वो लगाना पड़ता है ना हाँ हाँ। क्या नाम है जब आप चुनाव आयोग में भरते हैं फार्म जी जी, तो मैंने BA का मार्कशीट लगाया हाँ। तो उसमें देवघर यूनिवर्सिटी का था हाँ। कहें कि तुम देवघर यूनिवर्सिटी में क्यों कहाँ पढ़े हो हाँ। हमके पढ़े ना गए रहे लेकिन परीक्षा दे गए रहे, तो कहें तब तुम्हारा फर्जी है, हम चेक करवा लीजिए। हमने कहा चेक करवा लीजिए आप हाँ। तो कहें नहीं नहीं हम नहीं लगाने देंगे, तो कहें ठीक है चलो बताओ इंटर कहाँ से पढ़े हो, हम कहे जगजीवन कॉलेज, हम कहें ये कहाँ है हाँ। हम कहे वही बिहार बा, कहें भी तुम फर्जी, हम कहे फर्जी नहीं साहब आप पता कर लो हमारे पास जो मार्कशीट है आप चेक करवा लीजिए, कहें अब हमारे पास चेक करने का समय नहीं है, अब तुम्हारा कल नॉमिनेशन है हम चेक कराएं, और मार्कशीट वाला बहुत चक्कर चल रहा है अभी, देखिए हमारे भाई है इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, उनकी बेचारे की मार्कशीट के चक्कर में सदस्यता चली गई, देखा हूं, और उसके पहले भी मैंने 2-3 घटनाक्रम ऐसा सुना था हमारे यहाँ भी चेयरमैन ही में हुआ हाँ, मार्कशीट के चक्कर में कई लोगों की विधायकी चली गई,
तो सुभाष पांडे जी ने कहा कि तुम बीए का और इंटर का मत लगाओ, तुम दसवीं का ही मार्कशीट लगाओ। इसीलिए आपको सिर्फ दसवीं पास दिखता है रमेश विधायक जी, सिर्फ दसवीं पास। इसीलिए मैं यूपी का जो हमारा जीआईसी का था वही मार्कशीट लगा, जबकि मैंने पढ़ाई आज कोई भी मेरा सर्टिफिकेट चेक करा सकता, मैंने बीए तक किया है। जी जी, और बीए तक किया, लेकिन सुभाष पांडे ने उस समय मेरा दसवीं लगा दिया, तो वही मैं आज तक लगाते चला आया। यहाँ तक सफर जो आपने तय किया है और जीत दो बार हासिल किया है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, जीत का श्रेय तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। नहीं, ये तो है, अपने परिवार, अपने सदस्य और अपने किसी जीवन संगिनी या फिर किस तरीके से? देखिए, मैंने ये तो है, जैसे हमको भाजपा ने टिकट दिया, अगर आज हमको कमल के फूल से टिकट नहीं मिलता जी, तो मैं इस स्तर पर कहाँ पहुँचता? नहीं पहुँचता भाई। दूसरा, जनता का आशीर्वाद जी, और रही माता पिता का आशीर्वाद, तो लड़का लायक हो चाहे ना लायक हो, लड़के का तो आशीर्वाद भाई, लड़के के ऊपर तो आशीर्वाद रहता है जी। तो माता पिता तो सर्वोत्त है जी, भाई उनका तो सभी जगह हमारे ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन रही बात यह है कि भाजपा ने अगर आज अवसर नहीं दिया तो दिन नहीं दिया, आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारी वीडियो देखने के बाद हमारा एक भावकाल लेकिन बन जाएगा। कई बार विधायक और मंत्री की यो देखी थे, लोगन कहा था तुम्हार बहुत खास आदमी है, कोनो काम लागे बताया। हमारे साथ है ये कहीं, अब यही वीडियो में अगर हम कही हमारे कोनो काम लागे दिखवा लिए जरूर, लेकिन जब काम लागत है तो लोगन कुछ न कुछ बहाना जरूर बताई दी है, फोनवे नहीं उठाई है, हमारे साथ हुए अगर हमें कब काम लगे। देखा, ऐसा मेरे को एक चीज बताइए, नेता बहुत व्यस्त होता है। जैसे क्या है, अभी हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपने कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब जैसे आपने शिक्षा के बारे में पूछा, तो शिक्षा वाला क्वेश्चन शायद मुझसे कभी कोई पत्रकार आज तक नहीं पूछा, आज आपने पूछा और मैंने दिल की बात आपको बताया, आज तक शिक्षा के बारे में किसी ने नहीं किया। दूसरा, आपने टेलीफोन वाला जो पूछा आज तक किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए, आप इसमें देखिए, मोबाइल देखिए, आप इसमें एक बार चेक कर देखिए, जी, 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 जी। ये आप देख रहे हैं, इतनी मिस कॉल है इसमें, माने कि जब से मैं बैठा हूँ, खास लोगों ने, नहीं ये लगातार मिस कॉल आ रहा है इतना। अगर सवेरे से देखिएगा तो कम से कम इसमें 100 मिस कॉल है। अब 100 मिस कॉल क्यों हुए, आप समझे मेरी गलती है क्या इसमें? आप हमको आधा घंटा कैमरा के सामने बैठाए हैं, अब आप बताइए मैं कैसे बतियाऊं? ठीक, जब मैं यहां से निकला तो बाहर पब्लिक खड़ी थी जी, अब मैं पब्लिक के सामने अगर मोबाइल से बात करता तो पब्लिक क्या करती? ठीक, अभी सवेरे की बात कर रहा हूं, आप यहां पर 10 बजे आ गए, मैं आया अंदर, आपसे हाय हेलो करके तुरंत में कहा कि मुझे समय दीजिए, पब्लिक बाहर बैठी थी, पब्लिक समय मिला, तुरंत में गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने से लेकर के कमालपुर गांव पहुंचने तक जो फोन आया उतने अटेंड किया, जैसे वहां पहुंचा तुरंत उद्घाटन, शिलान्यास, फिर भाषण। अगर आप मेरा लाइव चेक करेंगे तो मैं 40 मिनट वहां भाषण देके आ रहा हूं। देखा, मैं देख रहा था। ठीक, अब आप बताइए उस 40 मिनट में जो भाषण मैंने दिया या जो उद्घाटन किया, जो आपसे मिला, उस बीच में कम से कम 100 फोन आए, ये 100 लोग या तो हमको गरिया रहे होंगे, या तो मुझे घमंडी कह रहे होंगे, या तो मुझे कह रहे हैं विधायक का बंतुआ है, और या वो कल मिलने पर कहेंगे विधायक तोहरे अंदर एक कमी में तू फोन ना उठाते। ये समस्या नेता की समस्या कोई नहीं, मैं समझ गया, जमीनी स्तर पर समझ गया। हाँ। यही मेन कारण है जो कहा जाता है भैया तोहार बहुत खास है, एक बार कहे काम हो जाए। एक्चुअली जो समस्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि हेक्टिक जिंदगी होती है, सुबह से उठे लगे पड़े, मैं देख पा रहा हूँ, सुबह 10 बजे का कार्यक्रम हमारा था, लेकिन अभी आप बोले बड़ा एकदम लगलका हुआ है, एक पीछे का कारण बटे देखिए, बड़ा कहीं बहुत सारे विधायक हैं बोली नहीं पाते। देखा, उसके मैं किसी विधायक से अपनी तुलना नहीं करता हूँ, जब आप अंदर से साफ रहेंगे, आपके मन में छक्का पंजा गलत भावना किसी प्रकार की कुछ नहीं रहेगी, तो आप स्पष्ट बोलते हैं, तब आप हर चीज का जवाब देते हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं गांव में जब जाता हूँ, पहले विधायक लोगों को कुर्ता खींचा जाता था, जवाब नहीं दे पाते थे। अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया, विधायक जी आज तक हमारे गांव का फोन आया, दूसरा विधायक गुस्सा ही आता, अगर पहले विधायक रहे तो मारे गरिया रहते जाना। जैसे कई जगह हम जाए थे, विधायक जी का, अरे विधायक जी तू हर जगह काम क्या, हमारे गांव का क्या है, क्या बतावा, तब मैं उसको जवाब देता हूँ कि भैया आपके गांव में हो सकता है मैंने काम ना किया हो, लेकिन गए मैं गांव का प्रधान नहीं हूँ, मैं बदलापुर का विधायक हूँ, मैं ऐसा काम करूं कि आप पूरे विधानसभा के लोग लाभ ले, ऐसा काम करूं 10-20 गांव के लाभ ले, ये मेरा काम है। अगर आपको हमको गांव का काम कराना है, तब की बार प्रधानियों लाए गए
प्रधानो बनिए तुम्हारे गाँव कामों करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात जो जेन्युइन काम रहता करता हूँ उसका जवाब देता हूँ और मैं बताता हूँ जो बिजली लग रही घर घर कौन करवा रहा है, ये घर घर शौचालय बना कौन करवाया, आवास बन रहा है कौन करवा रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है कौन करवा रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है कौन बनवा रहा है, खेती पैसा मिल रहा है कौन बनवा रहा है। अगर मोदी और योगी कर रहे हैं तो मैं तो उन्हीं का सैनिक हूं। मैं जब विधायक बना तो मैंने योगी जी को चुना। जी जी जी, बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हमारी सरकार आई है जो काम हो रहा है गांव में, ये काम जो सरकार कर रही तो मेरा ही काम है। तो मैं आज दावे के साथ चैलेंज साथ हर गांव में जाता हूं, अपने काम को गिनाता हूं, सरकार के काम को गिनाता हूं। यही खातिर विधायक बहुत लकलका हुआ बोलत है और लोगों को बहुत पसंद आवत है। विधायक जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि शायद आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।